अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते, जिसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है, एक स्लाइस लिया है जिसको हम मटन के साथ कीमे के साथ चॉप करके तो उसमें मिक्स करेंगे, और 1.5 tablespoon मैंने लिए है लाल मिर्च, 1 tablespoon नमक, 1 tablespoon मैंने लिया है सूखा धनिया, 1/2 teaspoon मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, और 1/2 teaspoon ली है हल्दी। ये है हरा धनिया, ये भुने हुए चने हैं जिनको मैंने पीस लिया है भुनने के बाद, 1 tablespoon लिया है मैंने दही। दही मैं इसमें इसलिए शामिल करूंगी कि ये इनको कोफ्तों को नरम बनाएगी। 1 tablespoon लहसुन का पेस्ट और 1 tablespoon अदरक का पेस्ट है। ये 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैं कीमे के साथ चॉप कर लूँगी। ये प्याज है जिसको मैंने चॉप करके इसका मैंने पानी निचोड़ लिया है। ये देखें, अब ये कीमा मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूंगी। एक दफा मैं इसे पहले वैसे ही चॉप कर लूंगी। अब मैं ये हरी मिर्चें और ये तमाम मसाला जार जो मैंने निकाल के रखे थे इसमें शामिल कर दूंगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसी में शामिल कर देंगे। ये दही, ये चनों का पाउडर, ये धनिया और ये स्लाइस जिसको हम ऐसे तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इन सब चीजों को चॉप कर लेंगे। ये देखें हमारी तमाम चीजें कितने अच्छे से, ये देखें, मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे। अब हम तमाम चीजें इसमें डोंगा में शामिल कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब ये प्याज इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने से पहले हाथों को अच्छे तरीके से जरूर धो लीजिएगा। ये देखें हमारा कोफ्तों का मटेरियल बिल्कुल रेडी है। देखें इस तरह से इसका टेक्सचर चेक करना है आपने। इसमें अदरक लहसुन जो है आपने हमेशा ताज़ा पिसा हुआ डालना है, फिर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब थोड़ा सा पानी देंगे हाथों को अपने, पानी लगा के हम इसके गोल गोल छोटे से बॉल बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। साइज आपने अपनी पसंद के मुताबिक रख लेना है।
जितना आपको पसंद है। बड़े रखने चाहते हैं तो बड़े बना रहे हैं, छोटा रखना चाहते हैं तो छोटा कर। ये देखें हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी टमाटर का पेस्ट लिया है, इसमें तकरीबन 3 या 4 टमाटर पीस के होंगे। आधी कटोरी मैंने दही ली है, इसमें 2 कड़ी स्पून जो हैं वो होंगे दही के, आधी कटोरी में। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन लिया है, लेकिन अदरक मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1.5 टेबल स्पून। ये 2 प्याज लिए हैं मैंने, और ये मैंने लिया है लाल मिर्च मैंने ली है 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 तेज़पात का पत्ता मैंने ये लिया है, और ये मैं दालचीनी का एक टुकड़ा है, और ये बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची, ये चीज़ें खुशबू के लिए मैंने अपने मसाले के हिसाब से निकाली हैं। चलिए अब हम प्याज को कट कर लेते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ, प्याज हम इसमें काट लेते हैं। प्याज को ब्राउन करके हम ऑयल से निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। ये देखें प्याज हमारा सूख हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसे हम थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसे ग्राइंड करके पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए जो प्याज हमने ब्राउन किए थे उसको मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले हम ये मसाला इसमें डाल लेंगे। आग को आपने दरमियाना ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, और साथ ही हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल। ये देखिए लहसुन अदरक की भुनाई करके अब ये टमाटर का जो पेस्ट है ये हम इसमें शामिल करते हैं। इस तरह से टमाटर डालने के बाद अब ये मसाला जात हम मिर्ची, धनिया, नमक और ये हल्दी और ये प्याज जो हमने पीसा हुआ था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि प्याज की स्मेल खत्म हो। ये देखें टमाटरों को और प्याज को अच्छी तरह से मैंने भून दिया है। अब इसके बाद हम इसमें ये दही शामिल कर देंगे, और फिर अब हम दही के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे इस तरह से। ये देखें हमारे मसाले की भुनाई बड़ी अच्छे तरीके के साथ हो गई है। अब मैं ये कोफ्ते इसमें डाल दूँगी। ये देखें सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। आग आपने दरमियानी रखनी है। अब मैं इसको ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं इसको चेक करूंगी। ये देखें हमारे कोफ्ते कैसे मसाले में पक रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आपने हिलाना है बड़े प्यार के साथ ताकि इनकी साइड भी चेंज हो जाए।
थोड़ी देर हम इसको और रखेंगे जब तक हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और हमारे कोफ्ते भी में मसाला भी शामिल हो जाएगा और वो पक भी जाएंगे। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है कोफ्ते। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा पकेगा उसके बाद हम इसे ढोंगे में सर्व कर लेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसको इसमें ढोंगे में निकाल लेंगे। जितना शोरबा या ग्रेवी जितनी आपने रखनी है अपनी पसंद से उतनी आप रख लें। हमारे घर इस तरह भी खाई जाती है इसलिए मैंने इतनी ग्रेवी रखी है इसके अंदर। ये देखें सालन हमारा तैयार है, अब हम इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और हरी मिर्ची सजावट के लिए, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हमें आज की अच्छी बात यह है कि हमें हर वक्त अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।